नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान मौसम में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में जिसमें बताएंगे आगामी तीन से चार घंटों के अंदर राजस्थान के किन जिलों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले का ताज़ा मौसम का हाल भी तो आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपका अपना चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा किसान भाइयों आगामी दो से तीन घंटों के अंदर राजस्थान के कई सारे जिलों में बारिश की गतिविधियाँ को मिलेगी वही आज रात्रि को भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं जैसे कि सुबह के मौसम पूर्वानुमान में भी मैंने आपको बताया था सुबह उदयपुर संभाग के कई सारे भागों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली थी वही जोधपुर संभाग के दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं यहाँ पर भी सुबह बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी अभी के तत्कालीन मौसम समाचार के अनुसार आगामी तीन से चार घंटों के अंदर उदयपुर संभाग के कई सारे भागों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेंगी जिसमें बांसवाड़ा के कई सारे भाग शामिल रहेंगे डूंगरपुर प्रतापगढ़ के भाग भी शामिल रहेंगे कुछ उदयपुर के भागों में भी खंड बारिश की संभावना रहेगी वहीं सिरोई और जालोर के भागों में भी कई सारे स्थानों पे हैं तेज गर्जना के साथ में वज्रपात के साथ में आगामी तीन से चार घंटों के अंदर बारिश की संभावना बन रही है सिरोई के शिवगंज रेवदर पिंडवाड़ा अबुरूड के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी कई सारे स्थानों पे हैं जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं वही जालोर शहर और तकटगेढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी मूसलाधार बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी वही बाड़मेर के भी कई सारे भागों में जिसमें गुड़ामालानी रामजीगुल के आसपास के क्षेत्र हैं बाकासर सेड़वा और धोरीमुना के के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पे भी आगामी तीन से चार घंटों के अंदर और आज रात्रि को भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली है एक किसान भाई चोटन से भी कमेंट कर रहे थे चोटन में भी आज रात्रि को बारिश की होने वाली है वही जैसलमेर के कई सारे भागों में खंड बारिश की संभावना रही स्थान पर है भारी, भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है वही जालोर के रानीवाड़ा और साथ ही चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों में भी आज शाम को बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी यहाँ पे वायु दबाव काफी कम है नौ सौ पंचानवे मिली बार के आसपास में और यहाँ पे नमी भी काफ़ी अच्छी है हवा में तो आज यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है कुछ स्थानों पे हैं रात्रि को तेज गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी वही शाम के समय में भी यहाँ पे मौसम बनने की संभावनाएं बन रही हैं वही पाली के कई सारे भागों में भी आज शाम को बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी जोधपुर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी वही उत्तरी राजस्थान के कुछ चूरू और शिखर झुंझुनू के भागों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी कुछ स्थानों पर खंड बारिश की संभावना बन सकती है वहीं कोटाबूंदी बारा झालावाड़ी के भागों में भी आज रात्रि को बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी तत्कालीन मौसम समाचार के अनुसार आगामी तीन से चार घंटों के अंदर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के भागों में भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी वही सिरोई जालोर पाली के कुछ भाग और बाड़मेर के कुछ भागों में भी तेज मूसलाधार बारिश की संभावनाएं बन रही बाकी आज रात्रि को कहाँ कहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी उनके बारे में शाम को सात बजे मौसम बुलेटिन आएगा उसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार जय हिंद